जादुई भूत। मायापुर नाम का एक गांव था, जहां शंकर नाम का एक दूध बेचने वाला रहता था। शंकर के पास एक गाय थी। शंकर अपनी गाय से बहुत प्यार करता था, क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी का साधन थी। शंकर रोज अपनी गाय के लिए चारा डालता और उसे पानी पिलाता। इसके बाद वह नहा धोकर भगवान की पूजा करता। इतने में उसकी पत्नी नाश्ता तैयार कर देती। शंकर नाश्ता करने के बाद दूध दूहता और कैन में भर लेता। शंकर कैन को साइकिल पर टांगकर लोगों के घर दूध पहुंचाने जाता। घरों में दूध पहुंचाने के बाद अगर दूध बच जाता तो शंकर भोलापुर जाने वाले रोड पर एक पेड़ के नीचे कैन रख लेता। इस तरह उसका बचा हुआ दूध भी बिक जाता। लोग शंकर का दूध खूब पसंद करते, क्योंकि वह बिल्कुल प्योर दूध बेचता था। इस तरह शंकर की अच्छी कमाई होती। शाम को वह सब्जियां और फल लेकर अपने घर पहुंचता और बचे हुए पैसे अपनी पत्नी को देता। एक दिन रात में शंकर का पड़ोसी संजय शंकर के घर आता है। अरे शंकर, थोड़ा दूध मिल जाएगा क्या? कुछ मेहमान आ गए हैं, चाय बनानी है। हाँ हाँ संजय, क्यों नहीं, तुम्हारे मेहमान मेरे मेहमान। अरे मालती, जरा संजय भैया को थोड़ा दूध तो दे दो, इनके घर मेहमान आ गए हैं। मालती दूध लेने अंदर जाती है। संजय की नजर शंकर के घर पर रखे टीवी, फ्रिज, कूलर और वॉशिंग मशीन पर पड़ती है। संजय शंकर के घर से दूध लेकर बाहर आता है और सोचता है, अरे शंकर ने तो दूध बेचकर बड़ा पैसा कमा लिया है, मुझे भी एक गाय खरीद लेनी चाहिए और दूध बेचने का काम शुरू करना चाहिए, फिर मैं भी जल्दी ही शंकर की तरह अमीर हो जाऊंगा। हा हा हा। संजय शनिवार को लगने वाले बाजार से एक गाय खरीद लाता है। संजय गाय को खिलाता कुछ भी नहीं और दूध निकालने के लिए लाठी से गाय की खूब पिटाई करता। फिर भी अगर गाय दूध नहीं देती तो वह अपने गाय के इंजेक्शन लगाता और जबरदस्ती दूध दूहता। दूध दूहने के बाद संजय दूध में खूब पानी मिलाता और फिर दूध को कैन में भरकर भोलापुर जाने वाले रोड पर कैन रखकर दूध बेचने के लिए खड़ा हो जाता। लेकिन कोई भी संजय का इंजेक्शन वाला पानी मिला दूध नहीं खरीदता। लोगों को शंकर का प्योर दूध ही पसंद आता। लोग मेरा दूध नहीं खरीद रहे, लगता है मेरी गाय ही बेकार है। लोगों को मेरी गाय का दूध पसंद नहीं आ रहा। आज घर जाकर अपनी गाय की खूब पिटाई करूंगा और रात में चुपके से शंकर की गाय चुरा लूंगा, फिर देखता हूँ ये शंकर क्या करेगा। जब रात हो जाती है तो संजय शंकर की गौशाला में जाता है। पहले तो वह रस्सी से गाय का मुंह बांध देता है ताकि वो आवाज ना करे। फिर वह गाय को लेकर अपने ससुराल भाग जाता है। सुबह जब शंकर उठता है तो वह देखता है कि गाय गायब है। शंकर को यह देखकर बहुत झटका लगता है। शंकर अपने घर के बाहर खड़ा होकर रोने लगता है। शंकर के पास गांव के लोगों की भीड़ लग जाती है। गांव के मुखिया भी वहां पहुंचते हैं। अरे क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? मुखिया जी, मेरी गाय चोरी हो गई, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मेरे पास रोजी रोटी का और कोई साधन भी नहीं है। मैं अपने नौकरों को भेजकर आसपास के गांव में तुम्हारी गाय ढूंढवाने की कोशिश करता हूं। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चले जाते हैं। शंकर भी अपनी गाय को ढूंढने जंगल की ओर जाता है। जंगल में गाय ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, लेकिन गाय नहीं मिलती। शंकर बहुत थक जाता है और वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है।
शंकर जिस पेड़ के नीचे बैठता है वह एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ होता है। उस पेड़ पर एक भूत रहा करता था। भूत अचानक से शंकर के सामने आ जाता है। शंकर डर जाता है। मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया। अरे डरो नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं एक अच्छा भूत हूँ और अपने जादू से अच्छे लोगों की मदद करता हूँ और बुरे लोगों को सबक सिखाता हूँ। तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? शंकर भूत को सारी कहानी बताता है। तुम एक ईमानदार इंसान हो, मैं तुम्हें एक गाय देता हूँ। भूत अपनी जादुई शक्तियों से शंकर को एक गाय देता है। यह गाय 50 लीटर दूध देगी। अभी तुम इससे काम चलाओ, मैं तुम्हें कुछ दिनों में तुम्हारी असली गाय भी ढूंढ कर दे दूंगा। शंकर गाय लेकर अपने घर पहुंचता है और अपना दूध का काम दोबारा शुरू कर देता है। इधर भूत अपनी जादुई शक्तियों से पता लगा लेता है कि संजय शंकर की गाय लेकर अपने ससुराल भाग गया है। भूत एक रात संजय के कमरे में पहुंचता है। संजय अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। भूत अपने जादू से संजय की पत्नी को भैंस बना देता है। जब संजय सुबह सोकर उठता है तो चौंक जाता है। संजय की खटिया हवा में तैर रही होती है। अरे ये क्या हो गया, मेरी पत्नी कहाँ चली गई और ये भैंस मेरे बिस्तर पर कहाँ से आ गई? अरे मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। संजय भैंस को लेकर अपने घर जाता है। उसका घर एक छोटा सा खिलौना बन चुका होता है। अरे ये क्या हो गया, हमारा घर इतना छोटा कैसे हो गया? तभी संजय गाय की तरफ जाता है। गाय संजय के लात मारती है और संजय दूर जाकर गिरता है। तभी गाय में से भूत बाहर निकलता है। तुमने शंकर की गाय चुराई, इसलिए यह सब तुम्हारे साथ हो रहा है। मुझे माफ कर दो, मुझे शंकर की गाय नहीं चुरानी चाहिए थी। मैं उसकी गाय वापस कर दूंगा, कृपया मुझे माफ कर दो। भूत संजय को माफ कर देता है। वह उसका घर ठीक कर देता है और उसकी पत्नी को भी भैंस से इंसान बना देता है। फिर भूत शंकर की गाय लेकर वहां से गायब हो जाता है और शंकर के पास पहुंचता है। यह लो तुम्हारी असली गाय, ऐसा कहकर भूत गायब हो जाता है। शंकर के पास अब 2 गाय हो जाती हैं। शंकर दूध बेचने के साथ अपनी डेयरी भी खोल लेता है, जहां वह दूध के साथ साथ दही, पनीर, मक्खन, देसी घी और मट्ठा भी बेचने लगता है। कुछ ही दिनों में शंकर बहुत अमीर हो जाता है और वह अपने लिए एक बड़ा घर और कार भी खरीद लेता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल जोजो टीवी कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें।